चलिए दोस्तों, माइक्रोऑर्गन का फुल जानकारी देने वाले हैं, तो गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझ में आ जाएगा और इसको बढ़िया से यूज कीजिएगा। बहुत ऐसा कस्टमर को होता है कि जानकारी नहीं रहने के कारण लेता है, मशीन में प्रॉब्लम है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कैसे यूज करना है। थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझ जाने के बाद ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। इसे लगता है कुछ लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते रहिए, अगला प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। पहले अपने माइक्रो के अंदर जितना भी उबाल के बनाने वाला आइटम है सब माइक्रो के अंदर बनेगा। ग्रिल के अंदर जितना भी आपका सेकने का काम है, काजू बादाम मूंगफली के दाने जो भी आपको सेकना है ग्रिल में सेकेंगे, पापड़ को छोड़ के। कन्वेक्शन के अंदर जितना भी आपका तंदूर का बेकरी का जो भी काम है सब आपको कन्वेक्शन में होगा। इवन आपका बाटी वाटी जो भी बनाना हो आप उसके अंदर वो बना पाएंगे। ठीक है, कॉम्बी है, मैंने बताया कि किसी भी दो चीजों का मिश्रण कॉम्बिनेशन में आएगा इसका। जैसे आपको माइक्रो ग्रिल एक साथ चलाना है तो अल्टरनेट चलेगा, एक बार माइक्रो चलेगा एक बार ग्रिल चलेगा, ताकि वो पकता भी जाए और सिकता भी जाए। ठीक है, ऐसे ही आपका कन्वेक्शन भी चलेगा। रीहीट वाला कोई भी और खाना का वो हो गया, आप रीहीट वाले ऑप्शन में रख दीजिए। फ्रिज के अंदर कोई आइटम है आप रीहीट वाले ऑप्शन में रख दीजिए। ठीक है, तो वो मोटर भी काम करेगा। तो आप बोल रहे थे ना कि किसमें स्टील का बर्तन यूज कर सकते हैं, किसमें क्या यूज कर सकते हैं? माइक्रो के अंदर हम स्टील का बर्तन बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे। स्टील मेटल का कोई भी बर्तन माइक्रो में नहीं इस्तेमाल करना और कॉम्बिनेशन में नहीं करना, क्योंकि कॉम्बिनेशन में माइक्रो कन्वेक्शन और ये तीनों चीज अल्टरनेट चलती है। ठीक है, केवल हम जो है कन्वेक्शन और ग्रिल के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है ना, और ये इसके अंदर जो है टर्न टेबल प्लेट लगी हुई है, ये हर कंडीशन में रहेगी आपका, चाहे आप ग्रिल इस्तेमाल करें, चाहे माइक्रो करें, चाहे कन्वेक्शन करें। ठीक है, तो ये वाली ग्रिल दिया हुआ है, ये इसका हाइट कम ज्यादा करने के लिए। आपको आलू की टिक्की बनाना आप हाइट ऊंची कर लीजिएगा, आपको बाटी सेकना आप हाइट नीचे कर लीजिएगा, है ना, जैसा आपको ठीक लगे अपनी सुविधा के अनुसार ये आप इसके अंदर कर पाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ऑटो कुकिंग के अंदर मीनू मेरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ से मुझे वेट देना है और ये वाला स्टार्ट का बटन दबाना। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा। क्या क्या बनेगा इंडियन आइटम के अंदर, यहाँ से ये वर्लपूल के उसके अंदर ही है, इतना बड़ा मीनू जो है ना, और किसी अदर ब्रांड के अंदर नहीं है। ठीक है, एक से लेकर 55 तरह का आप मीनू इसके अंदर बना सकते हैं, 55 बहुत होता है इंडियन कॉन्टिनेंटल के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना हो कीजिएगा, जो वेट मांग रहा है वो दीजिएगा, स्टार्ट आप करेंगे स्टार्ट हो जाएगा, टाइम अपने आप ले लेंगे। ऑटो कुकिंग में केवल आपको मीनू सेलेक्ट करना, वेट देना और टाइम अपने आप मिलेगा, स्टार्ट करेंगे उसी टाइम अपने आप मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ भी खाना गरम गरम करना हो 30 सेकंड का ऑप्शन आएगा, जेट स्टार्ट के अंदर 30 सेकंड में आप अपना खाना गरम कर पाएंगे। ठीक है, आप इसके अंदर केवल रोटी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तंदूरी पराठा बन जाएगा आपका, तंदूरी रोटी बन जाएगी, ये आपका हो जाएगा। कभी भी रोटी वोटी कुछ गर्म करना हो तो केवल मात्र जो है ना 5 सेकंड या 7 सेकंड के लिए आप चलाना, बाकी मत चलाइएगा ना, नहीं तो वो आपका जो है ना एकदम हार्ड हो जाएगा। माइक्रो आप सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी कम सेकंड के लिए चलाइएगा, 5 सेकंड 7 सेकंड के लिए बहुत होता है। ठीक है ना, इतने में आपकी रोटी गर्म हो जाती है।